हेलो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज आदिति एंड मैं आपके साथ लेती हूँ यूजीसी नेट इंग्लिश पेपर 2 की क्लासेस। आज एक ब्रीफ डिस्कशन रखेंगे ओवर द टॉपिक हाउ द पेपर पैटर्न हैज बिकम ओवर द टाइम, और इस बार का जो पेपर है वो किस तरीके से आया, और आप क्या क्या चीजें जो है अपने रूटीन में बिल्ड कर सकते हो इन ऑर्डर टू हैव योर नेट एंड जेआरएफ विद यू। तो बिल्कुल आज वहां से हमारी डिस्कशन शुरू होगी। इससे पहले थोड़ा सा अपन जो है एक ब्रीफ ले ले रिगार्डिंग आर ongoing courses that we have and how JAREF Adda is not just about a particular exam. It guarantees you the job, it gives you the constant updates. पूरे के पूरे आपको यहाँ पर जो है updates मिलते हैं job के, beat on the blog, और किस तरीके से तैयारी की जाती है वो बिल्कुल monotonous नहीं है. When we are saying that there is this fun way of teaching, आपको मानना पड़ेगा. नहीं मानते हो तो sample भी है हमारे पास. इसी के साथ यहाँ पर paper 1 plus English की classes ली जा रही है. It's totally fine if you don't want to take paper 1, but I would always advise and suggest regarding the recent exam that has happened कि paper 1 कितना जरूरी है. I've used this line everywhere that make paper 1 your companion because it will lead you to the best. When English or your paper 2 becomes very uncertain, बहुत ही out of the blue कुछ questions आते हैं, so then there is this paper 1 which helps you to score good score. तो paper 1 को बस consistent रखना जरूरी है, उसमें consistency लेकर आना जरूरी है, उसको जो है सही मटेरियल एंड क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करना जरूरी एंड यू विल बी गुड टू गो। तो पेपर 1 मैं बिल्कुल आपको यहां पर मना नहीं करूंगी। इसी के साथ साथ व्हाट वी आर हैविंग इन आवर कोर्स इज योर डेली क्विज, PDFs एंड हैंडबुक आपको यहाँ मिल रहा है. देयर इज दिस नॉट नॉट अ वेरी मोनोटोनस टीचिंग. सो ऑनगोइंग सुपर 100 बैच हमारा यहाँ शुरू हो गया है 25 अगस्त से, एंड आई पर्सनली हैव स्टार्टेड और आई हैव रीच्ड टिल आर यूनिट ऑफ रोमांटिक पीरियड. 26 अगस्त से रोमांटिक पीरियड मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है. टुडे विल बी डिस्कसिंग ओवर वर्ड्सवर्थ. आज मैं जो यहाँ पे बात कर रही हूँ कि किस तरीके से हम जो है लाइव क्लासेस आपके साथ ले रहे हैं विद प्रॉपर इंटरक्शन, प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशंस, और इसी के साथ साथ सैटरडे का जो सेशन है वो बिल्कुल डाउट क्लियरिंग सेशन है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द डेली क्विज दैट वी हैव. तो ये एक तरीके से आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ प्रोवाइड की जा रही है. क्रक्स में सब कुछ ऑलरेडी मिल रहा है, और सबसे ही अच्छी और एक्साइटिंग बात जो मुझे लगती है हैविंग अ स्टडी प्लानर, बिकॉज मैंने भी अपने रूटीन में इसको बहुत फॉलो किया है. तो स्टडी प्लानर भी आपको यहाँ पर साथ में मिल रहा है. जब कुछ पढ़ने का मन नहीं करे तो एटलीस्ट उसमें से कुछ कुछ चीजें बिल्कुल पढ़ सकते हो, तो इन अ वे दैट विल हेल्प यू. बट आज अपन क्या बात करेंगे वो है रिगार्डिंग द चेंज इन द पैटर्न. नाउ फॉर आर मिशन ऑफ हैविंग 1000 सेलेक्शंस दिस ईयर, यू माइट बी द नेक्स्ट पर्सन, सो यू कैन यूज दिस कोड एंड गेट योर डिस्काउंट. और इसी के साथ साथ जो है आप कोर्स में मेरे साथ आ सकते हैं. किस तरीके से पढ़ाई हो रही है बिल्कुल देख सकते हो. लाइन बाय लाइन कुछ नहीं है, आपको फॉर्म ऑफ द नॉवल, आपको कोटेशंस, ओपनिंग लाइन एंड व्हाट द नॉवल इज अबाउट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. देन देयर इज द सीक्वल और किस तरीके से है, कब पब्लिश हुआ, क्रोनोलॉजिकल ईयर, पब्लिशिंग ईयर आपसे पूछे जा रहे हैं. तो सब एक ही स्लाइड में आपको जो है प्रेजेंट कर दिया जाता है. Now, always, always ending the session with the word of the day and literary terms, devices, figure of speech. ताकि जो है last में आपके पास वो bundle up ना रहे के आए कि अरे इतनी सारी चीजें cover करनी है. दो दो तीन तीन terms भी daily basis पे अगर हम cover करते हैं regarding we have 4 to 5 months for our exam, तो बिल्कुल हम बहुत अच्छा यहाँ पे score कर सकते हैं. So this is something that I really like and I've incorporated all of this in my routine. और यही मैं अपने students के routine में भी इसमें include करती हूँ डेली बेसिस पर जब भी अपने सेशंस हो रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द ऐप, तो जितने भी हमारी डेली क्लासेस हो रही हैं उसकी पीडीएफ यूट्यूब पर जो डेली क्लासेस हैं पीडीएफ आपको यहीं पर मिलती है अलोंग विद द लाइव टेस्ट दैट हैपेंस, काउंसलिंग सेशन, क्विज, सब यहां पर है. मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है इसकी बात तो हम बाद में भी करेंगे. और इंग्लिश से पहली बार देख रहे हो तो चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक दैट व्हाई एंड हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर एंड सिट or to get into your head that how to prepare for UGC NET. And इसी के साथ the moment you think and sit
to prepare for the exam, I would like to say that remove this idea that that is lying rent free in your head that we can clear NET or JRF in just 1 month. And all the videos you get to see that एक महीने में JRF कैसे पाएं, एक महीने में NET कैसे पाएं. I don't know how to actually do that even if you are just a beginner. So the harsh reality here is that you cannot, and the truth here is that you cannot even do the entire revision in a month. Even I'm including British literature, Indian literary theory, criticism, cultural studies, research methodology, literary terms, and all of the other units that I haven't even added right now. एक महीने में तो हम रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं, आप कहाँ तैयारी की बात कर रहे हो. इसी के साथ साथ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट नॉट एवरीवन इज अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ एज अ बिगिनर एक ये आइडिया हमारे दिमाग में रहता है दैट ऑल ऑफ अस आर ऑन द इक्वल स्टेज, ऑल ऑफ अस आर लाइंग इन द सेम बोट. दिस माइट नॉट बी ट्रू बिकॉज व्हाई, बिकॉज देर आर पीपल हु आर नाउ अटेम्प्टिंग फॉर JRF, देर आर पीपल हु हैव जस्ट लॉस्ट विद अ वेरी फ्यू मार्क्स. और आप यहाँ पर एक बिगिनर हो तो ये मान के चलना कि 1 या 2 महीने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो. बट एमिंग फॉर JRF, आई डोंट थिंक कि अगर हमारे पास इतना टाइम है, वी आर जस्ट सिटिंग आइडल फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एंड देन वी हैव बीन कवरिंग ऑल ऑफ द थिंग्स. हम थेरेटिकल पोर्शन पे कर सकते हैं, बट द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिगार्डिंग द मूवमेंट्स, द लिटिल लिटिल हाईलाइट्स दैट वी ऑफ्टन फॉरगेट टू सी इवन आफ्टर वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 to 4 months, तो वो एक चीज है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है. तो इसीलिए द आइडिया दैट वी कांट रियली प्रिपेयर फॉर अ मंथ इज एब्सोल्युटली राइट. Right now, amidst the changing pattern, you will see that NET and JRF is a bit challenging, and for that, but we have to clear the exam. So for that, you need to have a proper overview in order to see the kind of the pattern we have in our exam, the kind of the exam that's there. Now, what you can incorporate in your daily routine, and I would also suggest and advise you to do the same, that you need to divide both your papers. You need to divide your time for both the papers, be it your paper 1 and paper 2. Not everyone talks about paper 1, but here I would like to give more emphasis on paper 1 as well, because obviously it acts as a companion. Jab paper 2 bahut uncertain aata hai, paper 1 is there to help you. Is there to help you, guide you, and makes you enter into that safe zone कि हाँ आप पेपर वन मुझे बचा लेगा, पेपर टू इफ इन केस मुझसे नहीं हुआ तो. सो पेपर वन को अगर आप कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर भी कर रहे हो, यू आर डूइंग मोर देन इनफ. इसी के साथ इंश्योर दैट यू आर कवरिंग नॉट जस्ट ब्रिटिश लिटरेचर. द टाइम हैज गॉन वेयर देर वॉज मच एम्फोसिस पुट ऑन ब्रिटिश लिटरेचर. नाउ वी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ वेटेज विद लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल studies, be it your Indian literature. In your recent attempt, there were questions from world literature, Australian, African, post-colonial. Not just the major works were asked, but also you had to put them in the chronological order as well. We were preparing for world literature, but not in the sense of the chronological order, right? So we have a lot to cover, and we can't really assume कि एक महीने में सब हो जाएगा. तो इसलिए proper time में इसको divide करना बहुत जरूरी है. Come up with a proper plan. Now, get a grasp on different literary periods. So start your preparation from the start, from the scratch, so that you can attempt your chronological order questions in the right way. Now that when you have covered your preparation in a sequence, starting se shuru kiya hai, right from Anglo-Saxons, Normans, Celtic tribe kya hai, Welsh, kitne dialects hai, fir aap aaye ho Beowulf, Seafarer, Wanderer, Pearl, aur yahan se aaye ho aap seedha Chaucer par. So this really adds a difference. Now even in this attempt also you will get to see there were some of the questions from what is plause, what is how every man is the work and related to what and what, Gorbudak kiska work hai. To agar aapne Chaucer se pehle wale areas cover nahi kare hain, to you will be lying in that area as well. So now get a grasp on different literary periods. Se mera matlab hai cover your literary periods in the sequence in a linear way, and among that you will get to
to see, or you'll come across different different movements that have come into the periods, different different clubs that have happened, like Kit Kat Club, Scribblers Club, कॉफी हाउस कल्चर कब चल रहा था, पीरियोडिकल्स, ये पीरियोडिकल का रेलेवेंस कब आपको देखने को मिला, सो सम काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? तो ये सब हमारा उसी तरीके से कवर रहता है. नाउ इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द थिंग्स इन योर डेली रूटीन. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? डेली रूटीन से मेरा क्या मतलब है, आप जो है पेपर वन और पेपर टू की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, बट इसी के साथ साथ ट्राई टू कवर 4 to 5 pages फ्रॉम योर एम एच अब्राहम्स बुक, फ्रॉम योर लिटरेरी टर्म्स, और मे बी जस्ट लर्न 4 to 5 terms on an everyday basis, so that when you come to the end you don't have the portion left. वो उतना pile up नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसको daily basis पर कर रहे थे, just like I'm doing in my paid batch, always ending the session with word of the day and literary terms. तो आप ये अगर self study कर रहे हैं तो अपने तरीके से इसको incorporate कर सकते हैं, या किसी और से तैयारी कर रहे हैं, so that is also a tip कि आप उसको जो है add कर सकते हो अपने routine में, because that is a game changer. इस बार भी question आए थे, be it from Elysian, be it from Invective, Hey Geography, 18 June cancelled paper से, so these are some of the terms that we have discussed, that all of the terms we have discussed even in the YouTube sessions, the marathons that I've taken. So daily routine mein ye bahut important hai ki aap at least 4 to 5 literary terms ko daily basis par kar rahe ho, theek hai? Isi ke sath sath try to add one daily summary in your routine, plus make a note of their characters, important quotations that there are, so that you won't get mixed while doing the summaries and characters in the end. Timely agar usko karte rahenge to kafi better ye aapke liye rahega, aapko jo hai kafi acche se yaad rahega ye sab, right? Now make sure that you have updated resources with you, and by that I mean that the kind of the exam and the kind of the pattern reflects in the exam, to make sure ki aapke paas jo hai syllabus thoda updated ho, aapka जो मटेरियल है वो काफी पुराना ना हो, वो अपडेटेड होता रहे कॉन्स्टेंट बेसिस पर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है. इसी के साथ साथ ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द डेली बेसिस, मेक मॉक टेस्ट योर फ्रेंड, एंड ये एक गेम चेंजर रहता है. मॉक टेस्ट और PYQs जब आप करते हैं, एट द एंड यू आर नॉट अटेम्प्टिंग फॉर एन सब्जेक्टिव पेपर, यू आर हियर टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव पेपर, एंड वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिव यू एन आइडिया ऑन हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर, हाउ टू एक्चुअली सेट योर रीडिंग इन अ सर्टेन मैनर. सो यू विल इवेंचुअली गेट टू नो द काइंड ऑफ द पैटर्न दैट हैज बीन देयर एंड द काइंड ऑफ द पैटर्न दैट हैज कम एंड डेवलप्ड ओवर द ईयर्स. क्या क्या मॉडिफिकेशंस ऑल्टरेशंस आई हैं वो आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रिसेंट पेपर वी हैव सीन दैट देयर वाज मच एम्फेसिस ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. पहले भी 13 to 15 क्वेश्चंस आ रहे थे, बट अभी जो है नॉट just from British literature but also from other literatures as well, and how Dalit literature is also playing a role in your exams, including of course partition and Indian writers, then some of the movements that have come in the exam, some of the clubs like Kit Kat Club, movement, Harlem Renaissance, Angry Young Man, ye sab aapko pata rehna chahiye. Periodicals se related question aata hai, literary terms, as I've said, award winners I've always put an emphasis, be it your Booker Prize, Sahitya Academy, Nobel Prize, and is baar to inka establishment par question aaya tha, and the same question I have dealt in my marathons as well. Now what we have to cover, the additional area is research methodology, the additional area here is queer studies, additional area that we have here is children's literature, additional area is to cover nursery rhymes, because recently the question was on Twinkle Twinkle Little Star, kisne likha है, तो ये कुछ चीजें हमें कवर करनी है यहाँ पर. ग्राफिक नैरेटिव्स हमें यहाँ पर कवर करनी है. सो दीज आर सम ऑफ द न्यू एरियाज, और आई वुड सी द पैटर्न चेंज दैट वी हैव सीन इस बार से. तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर नहीं सकते हो, या जो है धीरे धीरे बहुत अलग तरीके का पेपर बनता जा रहा है, बट नाउ दैट यू आर अ बिगिनर, तो आप अपने रूटीन में, आप अपने जर्नी में इन सब चीजों को इंक्लूड करके रख सकते हैं. एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. आई रियली रियली होप एंड विश कि आपको ये चीजें हेल्पफुल रही हो. बट If at any case this seems a lot to you, you can always take help, you can always enroll into our courses. I would assure you that you are having anything and everything you want. Jitna required hai utna aapko yahan par sab milta hai regarding 10 year previous year questions with detailed explanation. Already aapko pura ka pura course hi mil jayega. Crash course jo hamare last ke dinon mein rehta hai, test series around about 10 or 11 test series aapko yahan milti hai, interview guidance program, yes, doubt clearing sessions every Saturday.
इज येस, हैंडबुक बिल्कुल, डेली क्विज, स्टडी प्लानर सब आपको यहाँ मिल रहे हैं, पर्सनल सपोर्ट एनी टाइम एंड एवरी टाइम ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम इज ऑलवेज देयर, कभी भी आप जो है वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, लाइव सेशंस में आके बात कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सेशन सिर्फ 1 घंटे का होगा, 1 आवर से 1.5 आवर्स, 2 आवर्स तक भी वो जा सकता है, डिपेंडिंग हाउ वी इंटरैक्ट एंड हाउ वी डू। एंड अभी भी बहुत लंबे सेशन हम लोगों के हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे सोच सकते हो, एनरोल कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। क्यों? पहला, इट इज़ नॉट जस्ट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से हमें साथ रहना है, तैयारी करनी है। तो इसके लिए एक अच्छी डाइट का और अच्छा, अगर हम खुद का ख्याल रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सो वुड लाइक टू एंड दिस ऑन दिस नोट, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल सी यू अनदर डे विद अनदर सेशन।